ईशरत भाई, आज आपको यहाँ पे कलवा मुमरा अध्यक्ष माइनॉरिटी विभाग की जो जिम्मेदारी मिली, क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो मैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जीतन नवाड़ साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, और उससे बढ़कर हमारे शमीम खान साहब जो पेरेंट बॉडी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मेरे कामों को देखा, सराहा और उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है, उसके लिए मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हमारे मुफ्ती साहब जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है, और हमारे सैयद अली भाई साहब भी, उनके आशीर्वादों से मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ, और अपनी जिम्मेदारी को मैं बखूबी अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश करूँगा। आज ये वादा करता हूँ आप लोगों से, और मेरे पार्टी के संगठन को और मजबूत करने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँगा, बढ़ चढ़ कर काम करूँगा, और जब जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी पार्टी को, मैं हमेशा मौजूद रहूँगा। तो आपको क्या लगता है कि अभी क्या काम आगे आप पार्टी के लिए कर सकते हो? देखिए, पार्टी अपने आप में एक बहुत मजबूत पिलर तो नहीं, मैं बोलूँगा एक बहुत मजबूत किला बन चुका है। इसे और मजबूत करने के लिए मैं जीतोड़ कोशिश करूँगा। जैसे कि माइनॉरिटी मुझे मिली है, तो माइनॉरिटी में मेरी अपनी ये है कि माइनॉरिटी में मेरे जितने कौम के लोग हैं, जैसे बुद्धिस्ट हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, जैन हैं, और ऑफकोर्स मुस्लिम समाज तो मेरे साथ है, तो इन सब समाज के लोगों को मैं जोड़ने की कोशिश करूँगा और उसे हमारे पार्टी में लाऊँगा। अभी राष्ट्रवादी में पार्टी में आप प्रवेश करने से पहले किस पार्टी में आप थे और आपने क्या वहाँ पे वर्क किया है? मैं शुरू से बेसिकली मैं एनसीपी पार्टी से कोर से रहा हूँ। मैं भले किसी पोस्ट पे रहा हूँ या नहीं भी रहा हूँ, लेकिन मेरी जड़ें एनसीपी से ही जुड़ी हुई हैं। हमारे बड़े भाई शमीम खान साहब जो हैं, उन्होंने हमेशा मुझे सराहा है, मार्गदर्शन दिया है। जब जब उन्होंने आवाज़ लगाई मुझे, मैं लब्बैक कहते हुए उनके पास आया हूँ। मेरा एक अपना करीमगार फाउंडेशन है जिसमें मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहा हूँ। मेरा एनजीओ है, इस पे लोगों की स्कॉलरशिप पे मैं काम कर रहा हूँ, बच्चों की फीस और एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ, आईएएस और आईपीएस के लिए जो तैयारियाँ बच्चों को करानी है उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जो माइनॉरिटी मुझे मिली है, जो काम मैं चाहता था, वो मुझे जिम्मेदारी शमीम खान साहब ने मुझे दी है, और इसके बेस पर मैं और बहुत काम कर सकता हूँ। शमीम भाई, आज इशरत भाई को यहाँ पे कलवा मुमरा माइनॉरिटी अध्यक्ष बनाया गया, क्या कहेंगे उनके लिए? मैं सबसे पहले हमारे थाना जिला के प्रेसिडेंट माइनॉरिटी सेल मुफ्ती अशरफ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को एक हीरे की शक्ल में हमको इशरत को दिया। इशरत वो लड़का है जो मैंने देखा है, बहुत नज़दीक से देखा है और बहुत करीब से देखा है कि वो एनजीओस में काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, और तकरीबन एक बार जब एमएलए इलेक्शन था तो उस इलेक्शन में मुझे मेरा साथी जावेद मेडिकल और असद भाई हमको लेके गए थे वहाँ पे, जो इनकी उस कमेटी में रुकन है, और जब वहाँ में गया तो तकरीबन 400 से 500 महिलाएं थीं। मैंने सबसे मुलाकात किया और उनके बातों को सुना, उनकी चीज़ों को समझा, तो मुझे यही समझ में आया कि वहाँ जो लोग मौजूद थे उसमें बहुत सारी खातिन ऐसी थीं जो बेवा थीं, बहुत सारी खातिन ऐसी थीं जो तलाकशुदा थीं, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग थे जो गम के मारे हुए लोग थे। तो उन्होंने कहा कि हमको कोई सिलाई के कोर्सेस, ऐसे बहुत सारी तंजीमें जो काम करवाती है, जो एक एनजीओस काम करवाती है, ये इसका पेट पल सके। जो इंसान किसी का पेट पालने का काम करता है वो दुनिया का सबसे बड़ा इंसान, इसलिए मैं उसको हीरा कहा है। तो मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, और जब से मुफ्ती साहब थाने जिला माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष हुए हैं, मैं देखता रहता हूँ अक्सर व्हाट्सएप पे, मुफ्ती साहब से बात तो कम हो पाती है, कुछ उनकी मुसीबत पर मेरी मुसीबत रहती है कि डेली किसी ना किसी को अपॉइंट करते हैं और पार्टी से जोड़ने काम कर रहे हैं। तो वाकई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी थाना जिला में माइनॉरिटी सेल की जो टीम बनाई गई थी उसमें कहीं ना कहीं बड़ी मजबूती से काम कर रही है। मैं मुफ्ती साहब से कहना चाहूँगा कि आप थाने जिला के प्रेसिडेंट हैं, मैं मीडिया के माध्यम से तो
जरूरत नहीं है कहने की मेरे बहुत नजदीक के हैं वो, लेकिन इसलिए कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि ये बातें मेरी थाना तक भी जाए। मैं चाहता हूँ मुफ्ती साहब से कहना चाहता हूँ कि आप थाने जिला के प्रेसिडेंट हैं, आप थाने जिला के अंदर और भी जगह पे ऑफिस खोलिए, आप थाने भी ऑफिस खोलिए आपकी, क्योंकि आपका आप थाने जिला के मानडी के प्रेसिडेंट हैं, आप मरा कलवा के प्रेसिडेंट नहीं है। मरा कलवा प्रेसिडेंट शमीम खान है, उसका एक छोटा लिमिट है, वो जहाँ पे बैठा है उसका एक छोटा, मैं अपने आप को बोलते शर्म नहीं महसूस करूँगा, मेरी जो पोस्ट है वो कलवा मुमरा की है, मुफ्ती साहब की पोस्ट जो है वो थाना जिला की है। तो मुफ्ती साहब थाना जिला के अंदर ऑफिस खोलें और पार्टी को और मजबूत करें, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा है थाना जिला में बहुत जगह ऐसी है, राबोड़ी है, हजूरी है, बहुत सारे जगह ऐसी है जहाँ पे माइनॉरिटीज़ को मुफ्ती साहब की ज़रूरत है, उनके आवाज़ की ज़रूरत है, अच्छे स्पीकर्स भी हैं। तो मुफ्ती असर साहब से मैं यही कहूँगा कि आप पार्टी को बढ़ाने के लिए और भी जगह पे विधानसभा के अंदर, शायद 5 विधानसभा आती है आपके जिला के अंदर, तो आप 5 विधानसभा के अंदर कम से कम 5 ऑफिसर्स खोलिए। बाकी रही बात हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, हमारे हाउसिंग मिनिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह सपोर्ट करते हैं, मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता का सपोर्ट करते हैं, मुफ्ती साहब तो बड़े लीडर हैं थाना जिला के, तो इंशाल्लाह ताला पार्टी को भी ताकत मिलेगी। और मुफ्ती अशरफ साहब भी जो काम कराना चाहेंगे माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक से, वो हर काम को पूरा करेंगे, इससे हमारे कौम की रहबरी भी होगी और हमारे नेता को का एक नाम होगा और उनका काम होगा जिन्हें काम की ज़रूरत है। तो हम सब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, हमारे मुखिया डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब, हमारे मुखिया शरद चंद्र जी पवार साहब के नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं और इंशाल्लाह ताला हम पार्टी को पूरा बढ़ाने का काम करेंगे। हम सब मिलकर के डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब को और मजबूती देंगे और ताकत बनेंगे, पिलर की तरह खड़े हैं और खड़े रहेंगे। फिर मैं आखिर में एक बार इस सब को जो उनको मुफ्ती अशरफ साहब ने कलवा मुमरा का माइनॉरिटी सेल का विधानसभा का अध्यक्ष बनाया है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनकी पूरी टीम को, और साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ये आपको जो दी गई है, ये कागज़ ज़रूर है लेकिन ये बहुत ताकत रखती है। इस सर्टिफिकेट को कोई ये मत समझे ये कागज़ का टुकड़ा है, ये कागज़ का टुकड़ा वो टुकड़ा है जो कुछ भी कर सकता है, हर अच्छे काम का अच्छा अंजाम दे सकता है। इसे संभाल के रखने की जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत है इस पोस्ट का सही इस्तेमाल करना। आप इस पोस्ट का सही इस्तेमाल करें, गरीबों मिस्कीनों और मसीहों के लिए काम मसीहा बन के काम करें और अपने कौम की रहबरी करें, किसी को किसी बात की कोई तकलीफ ना हो। अगर हमें पार्टी ने पोस्ट दिया है तो इसका हम सही उपयोग करें। हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब ने, हमारे प्रेसिडेंट आनंद प्रांत्य साहब ने, हमारे बड़े भाई सैयद अली असरफ भाई साहब ने हमें मार्गदर्शन नहीं दिया है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय राष्ट्रवाद, जय महाराष्ट्र।